सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। लाल हवेली पहुंचना चाहता हूं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जो शख्स मोदी पे इत्बार करे, जब मोदी आ रहा था मैंने कौम को बताया ये जीतेगा। इसने जंग का स्टंट वैसे ही नहीं बनाया, जहाज किसी का भी गिर सकता है मेरे भाइयों, लेकिन अल्लाह की शान है कि दोनों जहाज हिंदुस्तान के गिरे और अजीम पाकिस्तान की एयरफोर्स ने उनको सारी दुनिया में उनका नाक काट के रख दिया। पाकिस्तान मौलाना ठहर जाओ मेरे भाइयों। मैंने जब सरदार राजक साहब ने मुझे कहा कि समानी जाना है, मेरे वालिद यहां अब रेशम खरीदने आया करते थे, रेशम की टूटियां जिसे हम कहते हैं, उस जमाने में यहां रेशम बहुत बनाया जाता था। हम 8-10-15 दिन यहां मेरे वालदैन रहते थे। ये बहादुर लोग हैं, लेकिन लोगों जागते रहना। मैं पाकिस्तान के सियासतदानों को भी, पाकिस्तान की अजीम फौज के सिपा सलार कमर जावेद बाजवा को भी कहता हूं, जागते रहना, जागते रहना। कौम जाग गई है, यहां मरेंगे या मार के रहेंगे। ऐसा मौका फिर कभी नहीं आएगा। खुद उसने कंट्रोल लाइन खत्म की है, खुद उसने यूएन रेजोल्यूशन की मुखालफत की है, खुद मोदी ने मौका दिया है कि सारे समझौतों को उसने पसे पुश डाल दिया है। आज 50 दिन से कश्मीरी कर्ब की जिंदगी गुजार रहे हैं, और आज कश्मीर को किस चीज की सजा मिल रही है? आज सारी कश्मीरी क्यादत जो है वो जेलों में है। मैं सारी दुनिया में यह बात कहना चाहता हूं कि मोदी का एजेंडा पाकिस्तान को खत्म करना है। मोदी का एजेंडा ये रास्ता वागा का खोल के काबुल के जरिए और तोरखम के जरिए दुनिया के साथ अपना कारोबार करना है। मोदी का रास्ता जो है उसको क्यों खटकता है? अमेरिका की दोस्ती पर एतबार नहीं किया जा सकता, हमें चीन की दोस्ती पे यकीन है। पाकिस्तान की कौम अमेरिका ने वक्त आने पे हमेशा धोखा दिया है। जब उसकी जरूरत थी, वो रूस जब काबुल में आया तो वो तालिबान तैयार कर रहा था। जिन उसामा के बैंकरों पर अमेरिका ने क्रूज मिसाइल मारे वो अमेरिका के बनाए हुए थे, और जब अमेरिका खुद आया उसको हमारी जरूरत आ गई। इमरान खान एक सुलह पसंद और अमन पसंद क्यादत है, और मैंने अपनी जिंदगी में पहली दफा कमर जावेद बाजवा को भी, हालांकि मुझसे बड़े जूनियर थे जब ये गार्डन कॉलेज में आए, एक सुलह पसंद आदमी पाया। वो जंग नहीं चाहते, लेकिन जब उसने देख लिया, पहले उसने पूरी कोशिश की कि पाकिस्तान को अंदर से तोड़ा जाए, पाकिस्तान को बलूचिस्तान में तंग किया जाए, पाकिस्तान को सिंध में तंग किया जाए, पाकिस्तान को पाकिस्तान के अंदर से तबाह किया जाए। और ये आप समझें समानी के लोगों, ये अल्लाह का एहसान हुआ है कि मोदी ने एक गलती की है कि सारी कौम और सारी सियासी पार्टियां एक हो गई हैं, जो कश्मीर पर, कश्मीर के मसले पर कश्मीरियों के साथ नहीं खड़ा, वो गद्दारे वतन है, वो बेईमाने वतन है, वो इख्तदार का भूखा तो हो सकता है लेकिन वो कश्मीर की इस घड़ी में, वो कश्मीर की इस घड़ी में जो अपनी सियासत चमकाना चाहे, वो कश्मीर का वफादार नहीं हो सकता। कश्मीर का वफादार यही है। अभी हमारे पास बड़ा वक्त है सियासत का,
मैंने पाकिस्तान में यह कहा, यहां भी कहता हूं। हालांकि इंडिया टीवी बार बार कहता है ये एक सीट का वजीर है। हां भाई, मैं एक सीट का ही सारे हिंदुस्तान के लिए काफी हूं। साढ़े 400 सीटें एक तरफ, शेख रशीद अकेला ही काफी है, अकेला ही काफी है। समानी के लोगों, मेरा कौम के सामने खुदा से वादा है कि अगर जंग हुई तो मैं बॉर्डर पे लड़ूंगा, और मेरी दुआ है कि मेरी लाश शहीद की सूरत में वतन वापस लौटे। हम 13 करोड़ नौजवान हैं। दुनिया के किसी मुल्क में ऐसी नौजवान आबादी कमोबेश है। मैं तमाम नौजवानों को कहता हूं, सरफरोशी के लिए तैयार हो जाओ, सरफरोशी के लिए तैयार हो जाओ। अमर अल्लाह और उसके रसूल का आलम बुलंद करेंगे और पाकिस्तान के लिए जिएंगे, पाकिस्तान के लिए मरेंगे। जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह के लिए मुल्क बनाए, उसकी चप्पे चप्पे की हिफाजत करेंगे। बैठ जाओ यार, बैठ जाओ सर, आपको कह रहा हूं हार देने वाले को, बैठ जाओ। और आज पाकिस्तान के वजीर आजम अमरीका में मौजूद हैं। उन्होंने 27 तारीख को मोदी से 1.5-2 घंटे बाद खिताब करना है, और मुझे पूरा यकीन है कि उनकी तकरीर एक तारीखी तकरीर होगी। सारी दुनिया उस तकरीर की मुंतजर है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा उस तकरीर का मुंतजर है। और आज मैं ये कहना चाहता हूं समानी से, ये सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, ये तकरीरों से मसले हल नहीं होंगे, ये तस्वीरों से मसले हल नहीं होंगे। कश्मीर हमारी शारक है, हिंदुस्तान ने हमारी शारक को पकड़ा है, और अगर कश्मीर में कश्मीरियों की जो जिद्दोजहद शुरू होगी उसमें हम खामोश तमाशाई बने रहे तो तारीख हमें कभी माफ नहीं करे। मैं इंशाल्लाह हजीरा भी जाऊंगा, यहां शेख फैसल मेरे साथ हैं, वो कह रहे थे पहले जाएं। तत्तापानी भी जाऊंगा, और यहां कोई चौकियां नहीं है, उस तरफ फौज आई होगी, इस तरफ बॉर्डर की तरफ कोई मूवमेंट नहीं है, क्योंकि समानी के एक एक आदमी पाक फौज की तरह पाक फौज के साथ वक्त आने पे शाना बशाना खड़ा होगा इंशाल्लाह। और आज मेरे भाइयों कश्मीरियों, अपनी धरती और मुल्क से प्यार करने वाले अजीम मुसलमानों, जिस तरह 1 किलोमीटर दूर वो सामने इंडियन चौकी है, वो सामने देखो, ये इंडियन बॉर्डर है, यहां किसी ने घर नहीं छोड़ा, यहां किसी ने नकले मकानी नहीं की, यहां से शहादतें तो हो सकती हैं, लेकिन ये अपनी धरती मां के लिए खड़े होंगे समानी के लोग। अगर आप वाघा देखें, वाघा से अमृतसर जाएं, अमृतसर तक आपको कोई मकान ही नहीं नजर आए, दरख्त भी नहीं नजर आता। उनकी नीयत देखें, अगर आप अमृतसर से वागे की तरफ आए, मेन बॉर्डर लाइन जब शुरू होता है शहर को छोड़ के, या वागे की तरफ से अमृतसर जाएं, आपको कोई चिरिंद परिंद जानवर नजर नहीं आता। उनको पता है, उनको पता है कि मुसलमान जब जागता है, और हमारे बॉर्डर पे हमारे साथ ही घर है, बल्कि कोठियां हैं हमारी, हमारी एयर कंडीशन कोठियां हैं, हमारी कॉलोनियां हैं। और आज दिल्ली में बसने वाला मुसलमान
अपने परदादा के घर में रहने पर इसलिए मजबूर है कि दूसरे गैर मुस्लिम मोहल्ले में उसकी इज्जत महफूज नहीं है। हिंदुस्तान की पाकिस्तान में भी कोशिश है कि वो अकलियतों का इशू उठाए, किसी बच्ची का उठाए, किसी मजहबी इशू को उठाए। लोगों, ये हमारी जिम्मेदारी है, लोगों, ये हमारी जिम्मेदारी है। हमने पाकिस्तान में अकलियतों की हिफाजत करनी है, ये हमारा मजहबी और दीन का हमें हुक्म है। और मैं सिखों से भी कहना चाहता हूं कि ननकाना साहब 15 नवंबर को नया स्टेशन और नई ट्रेन आपको दूंगा। और सिखों, ये साजिश हुई खालिस्तान के लोगों, ये पाकिस्तान को बनाते वक्त ये साजिश की गई कि पाकिस्तान की तकसीम इस तरीके से की जाए कि एक मजहब का काबा यहां हो और दूसरे मामलात उधर हो। मैं खालिस्तान खालसा भाइयों की बात कर रहा हूं, खालिस्तान के लोगों की। और पाकिस्तान में आज अगले 3 महीने तो मैं इसलिए कहता हूं कि बाद में 15 दिन 20 दिन आगे हो जाएं, कहते हैं शेख रशीद का अंदाजा है। को मैं रमली नहीं हूं, कोई पॉमिस नहीं हूं, कोई मुझे पेशन गोइयों का शौक नहीं है। और जो रशियन टीवी कह रहा है, इंडियन टीवी कह रहा है, मैं ऐलान करता हूं समानी में, हालांकि मुझे रोका गया है, मुझे सरकारी तौर पर रोका गया है कि मैं ऐसी गैर जिम्मेदाराना बात ना करूं। मुझे पता है कि मैंने लोगों के सामने क्या कहना है। मैं 8 दफा वजीर रहा हूं, मैं कुछ गाजर मूलियां बेचकर इस तरह यहां नहीं आया। मैं 7 साल कैद काट के यहां आया हूं। कश्मीर का बच्चा बच्चा मुझे जानता है, कश्मीर का बच्चा बच्चा शेख रशीद को अपना खून समझता है। और मैं समानी में ऐलान करता हूं, मैं काल दूंगा लाल हवेली से लाल चौक के लिए, आप देखना कश्मीरी मर जाएगा, ये नई मोदी का इक्तदार बर्दाश्त करेगा। क्या इंडिया को तकलीफ है? जब वाजपेयी आए तो वो मुशर्रफ ने मुझे वजीर मेहमानदारी बनाया, उन्होंने कहा हम आते ही नहीं अगर शेख रशीद हमारे साथ होगा। उनको शौकत अजीज चाहिए था ताकि उनकी अचकने शचकने बना के दे, उनकी कोटियां पसंदीदा दर्जियों से बना के दे। लोगों, ये बड़ा झूठा और मुनाफिक माशरा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।